तो दोस्तों एक नया वीडियो आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में बात करूंगा कि फॉर गील्स ने एक 24 आवर चैलेंज लॉन्च किया जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं और ये जो चैलेंज है कल से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस इवेंट में या इस चैलेंज में रजिस्टर कर पाएँ और इससे अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव कर पाएँ और अपनी जो नॉलेज है उनको टेस्ट कर पाएँ कोडिंग के रिलेटेड। तो मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप इस चैलेंज में एनरोल कर सकते हैं और कैसे आपको क्या क्या पार्टिसिपेशन करने के बाद क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो भी मैं इस मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ पूरे बने रहिए। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अपडेट की वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों आप इस वेबसाइट का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ये जो कंटेस्ट होने वाला है ये 24 आवर कंटेस्ट होने वाला है जहाँ पर आपको 8 प्रॉब्लम्स मिलने वाली है। ये जो कंटेस्ट रहेगा बेसिकली DSA के रिलेटेड रहेगा। अगर आपको DSA के रिलेटेड नॉलेज है और आपने DSA अगर प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो कंटेस्ट है कल से स्टार्ट होने वाला है 11 अप्रैल से और सुबह के 12 बजे से, तो आप वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपकी रैंकिंग टॉप 50 में आती है तो आपको गूगल गुडीज़ और स्वैग्स यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे बताया गया, आप वहाँ पे जाके एक बार पढ़ सकते हैं, आपको ये सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 8 कंटेस्ट होने वाला है, 24 घंटे का कंटेस्ट है, तो हर क्वेश्चंस के लिए आपको 3 घंटे का ड्यूरेशन मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन, जहाँ पे क्वेश्चंस की लेवल की डिफ़िकल्टी हार्ड, मीडियम और इजी होने वाली है। आपको 3 घंटे के ड्यूरेशन में ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके सबमिट करना है। आप यहाँ पे एक बार FAQ पढ़ लीजिए, FAQ को पढ़ने के बाद आप यहाँ पे साइनअप पे क्लिक कर दीजिए। साइनअप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म डिस्प्ले होगा, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे आप रजिस्टर कर लीजिए। एक बार आपने फॉर्म भर कर रजिस्टर कर लिया तो उसके बाद यहाँ पे आप गो टू ऑल कोर्सेस में जाइए, आपको नया वेबसाइट खुल जाएगा। आप यहाँ पे देख लिए कि उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा 24 आवर स्प्रिंट चैलेंज जो कल से स्टार्ट होने वाला है, और ये जो चैलेंज है वो फ्री है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप यहाँ पे सी डिटेल्स करके, जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया अपने इवेंट के लिए, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया, ऑलरेडी रजिस्टर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब मैं क्या करूँगा, ओपन कोर्स ट्रैक पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको बताया गया कि आपको हर कंटेस्ट में जो पार्टिसिपेट करेंगे आपको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी रैंकिंग बढ़ने वाली है यहाँ पे। तो आप इस तरह से इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा कंटेस्ट दिखाया जाएगा, जैसे मैंने बताया 3 घंटे का कंटेस्ट होने वाला है, और लीडर बोर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और डिस्कशंस हैं फोरम है। तो इस तरह से आप इसमें रजिस्टर, हाँ तो दोस्तों आप इस तरह से GFG के कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएँ और अपनी जो DSA की नॉलेज है और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की जो नॉलेज है उनको टेस्ट कर पाए और अपनी कुछ स्वैग्स और गुडीज़ को जीत पाएँ इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।